नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा आएगा। और भाई यदि आपको अच्छा लगता है ना, तो आप उसको ना शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता भी दिया करो कि आपका वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए मुझे, मैं और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ पढ़ा सकूँ। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आठवीं से लेकर प्लस टू तक का हिंदी का जो सिलेबस है भाई, वो लगभग मैंने डाल दिया है। अभी जो बाकी रहा है वो 15-20 दिन में है ना कंप्लीट सिलेबस मेरा डल जाएगा, और अभी मैं संस्कृत का सिलेबस है वो डालना प्रारंभ कर दिया है मैंने। छठी सातवीं आठवीं, आठवीं का तो डल रहा है, छठी सातवीं और नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं का अभी स्टार्ट करूँगा, आठवीं का चल रहा है साथ साथ। तो आइए आपका समय खराब नहीं करते हुए फटाफट प्रश्नों को सीखते हैं। सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? मशहूर सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म है वो डुमराव गांव में हुआ था। इसके अलावा सेनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, रीड अंदर से पोली होती है जिसके सारे सेनाई को फूका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, इसी कारण सेनाई की दुनिया में डुमराव को महत्व का जो है ना स्थान महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है भाई वो है बिस्मिल्लाह खां की खां को सेनाई की धवनी मंगल धवनी का नायक क्यों कहा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो सेनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, इन्हीं कारण से के वजह से बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल धवनी का नायक कहा गया है। अगला प्रश्न है सुशीर वाद्यों में से क्या अभिप्राय है और सेनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है होगी? तो भाई सुशीर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, ये गलत लिखा हुआ वाद्य आएगा भाई, दही आएगा दैनी है। सेनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है, ठीक कर ले वाद्य को भाई, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में, ये हर जगह गलत है इस प्रश्न में भाई, वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। सेनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जाता है, इसलिए सेनाई की तुलना में अन्य कोई सुशीर वाद्य, देखो ये सही लिखा हुआ है, नहीं टिकता है और सेनाई को सुशीर वाद्यों के शाह की उपाधि प्रदान की गई है। आज स्पष्ट करना भी फटासुर ने बक्से लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको भी। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सील देने से ठीक हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता, और उनकी पहचान सुरों से ही थी, इसलिए वह प्रार्थना करते कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे दे। अगला इसका खै का भाग है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आंखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो बिस्मिल्लाह खां पांचों वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे, वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दे और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शे, उनके सहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करे और उससे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए, यही उनके सुर की कामयाबी होगी। अगला प्रश्न है भाई, काशी में हो रहे परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां क्यों व्यथित थे दुखी थे? काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं, संगीत साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आती गई है, अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है, वहाँ हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है, पहले वाली काशी जो है
खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करती थी, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो भाई पहले का उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म के का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर के शहनाई बजाते थे। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए और नोहा बजाते हुए जाते थे। इसी तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़ करके कहाँ जाए, गंगा मैया है यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ है, बालाजी मंदिर यहाँ है, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न ही काशी। अगला है भाई, इसका जो है दूसरा आशीष बता, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। तो इसका आशय होगा भाई, बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उसमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उसके लिए जरूरी था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करो जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन भाई बतुलन भाई इनके यहाँ होकर के जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाज़ें आती थी। इन्हीं गायिका बहनों को सुन करके उनके मन में संगीत की ललक पैदा हुई थी। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुप करके नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। तीसरा, मामूजान अलीबख्श अब शहनाई बजाते बजाते संपर आ जाते तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्हें संगीत में दाद देना सीखा। चौथा है, बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरो अवरो देखा करते थे। अगला है, इसमें बचपन में वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी थी। अगला प्रश्न है भाई, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की निम्नलिखित बातें हमें प्रभावित करती हैं। एक, ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी। दो, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। तीसरा, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया। चौथा, वे एक सीधे साधे एक सच्चे इंसान थे। पाँचवा, उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। छठा, वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। अगला प्रश्न है भाई, मुहर्रम के से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते हैं, इसीलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान में का कोई व्यक्ति न तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और न ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग लेता था। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर के शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों कोई राग रागिनी नहीं बजाई जाती थी। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत के लिए नम रहती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सेतु तो दीजिए भाई। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ सेनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने
जीवन भर संगीत की को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर कहते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों के सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकलाएं। खान साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ने बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। इससे पता चलता है कि खान साहब कला के अन्य उपासक थे। तो विद्यार्थियों, इस लेसन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने कर लिया है। आपका एक अंतिम लेसन ही रहता होगा, शायद एक अंतिम लेसन रहा है, उसको भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आपका लगभग सिलेबस जो है 10th क्लास का डल चुका है। यदि किसी विद्यार्थी ने गलती से नहीं पढ़ा है तो मेरे पीछे की वीडियो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। और यदि आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े और आपकी मैं हेल्प भी कर सकूँ। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।